दोस्तों आपका गार्डन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अब जब आप पौधे लगाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत कीड़े या इस तरह की चीज़ें तो लगी जाती हैं और उसको भी दूर करना आवश्यक होता है। वो सब आपके आसपास मौजूद चीज़ों से सब ठीक हो जाता है। छोटे मोटे कीड़े जिस टाइप के हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। गुड़हल में अक्सर मेल बक्स भी सफ़ेद रंग की फंगस लग जाती है, ये बड़ी आम है। देखिए मैं इस गुड़हल के पौधे में काफ़ी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इससे ये पौधा मर भी जाता है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, मैंने आपको दिखाने के लिए इसको लगने दिया था कि मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए कितनी ज़्यादा है, इसको हम कैसे दूर करेंगे। इसका बहुत आसान उपाय है। इसके लिए हम एक लीटर पानी में एक शैम्पू घोल लेंगे और शैम्पू घोल के इसमें थोड़ा सा मैंने लहसुन के पत्ते आते में हुए थे तो उसका पानी भी है और शैम्पू हमने इसमें डाला। एक शैम्पू एक लीटर पानी है ये, और इसको हम थोड़ा सा घोल लेंगे और इस पौधे पर अच्छा छिड़काव करेंगे एक दिन छोड़ के, तो इससे जो है ये मेल बक्स ख़त्म हो जाएगा। एक्चुअली इसका ये जो मेल बक्स होता है ये एक मॉम टाइप का रहता है। ये देखिए हम इस पर छिड़काव कर रहे हैं। आप किसी भी इस पे के द्वारा कर सकते हैं, मैं आपको बताने के लिए कैसे करना है ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए मेल बक्स, इसको अच्छी तरह हम धो देंगे, इस पौधे को अच्छी तरह नहला देंगे। काफ़ी देखिए मेल बक्स इसमें लगा हुआ है। ये देखिए अगर आप इसको लगा देंगे तो पौधों के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये। ये पौधे को ख़त्म कर देता है और पौधा इससे आपका मर भी जाता है, सूख जाता है धीमे धीमे। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप इसको बराबर इसकी निगरानी रखें पौधों की, तो पौधे में कौन सा कीड़ा लग रहा है। और ये मेल बक्स अक्सर दिख जाता है, ये देखिए कितना लगा हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको इस तरह हम इसको छिड़काव करके इसको ठीक कर सकते हैं। और इसको हम आज हमने इसमें स्प्रे किया है और इसके बाद हम इसमें परसों स्प्रे फिर करेंगे ताकि जो भी बचा हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इस तरह आप गुड़हल के पौधे को आप बचा सकते हैं। धन्यवाद।